हाय जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की एक नई वीडियो में आप सभी को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो इसलिए कि हर दूसरा बंदा जो है इसका शिकार हुआ होता है, हर कोई इससे निजात पाना चाहता है। तो मैं बात कर रही हूँ एक्ने की, पिंपल्स की, या फिर जो हमारे स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, निशानात रह जाते हैं, या गड़े की सूरत में वो अपनी निशानी छोड़कर चले जाते हैं। तो इसको आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि एक अहम और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर देना लाइक, और मजीद अगर ऐसी वीडियोज देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट कर देना ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आ सकूँ। तो बात कर लेती हूँ, हमारे जो पसीना होता है या फिर हमारा जितना भी बॉडी में मौजूद मवाद होता है, अगर वो खारिज नहीं हो रहा होता टाइम से या वक्त की पाबंदी से, तो फिर क्या होता है जी, हमारा वो एक्ने की सूरत में हमें वो खारिज होता है हमारी बॉडी से, ठीक है, एक्ने की सूरत में। तो बाद में एक्ने जो है हमारे लिए क्या छोड़ जाती है जी, निशाना छोड़ जाती है, या गड़े की सूरत में अपनी निशानी छोड़ के चली जाती है। तो इन सब को जो है आपने कैसे इनसे छुटकारा पाना है, या क्या आप नुस्खा ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो चाहिए होंगी चीज़ें, आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, चाहिए गर्मियों में आपने इसको लाजमी करना है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा एटलीस्ट इस पेस्ट को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। एक्ने भी आपकी जाती रहेगी कि वहाँ से दाग। जो आपको चीज़ें चाहिए वो है जी, पहला आपका जो इंग्रेडिएंट है वो है शहद, आपको 1 चम्मच शहद लेना है, साथ ही साथ 1 चम्मच आपने दही ले लेना है, और थर्ड जो है आपने लीमू के रस के, यानी कि चंद कतरे ऐड करने हैं, लीमू के रस के चंद कतरे ऐड करने हैं, मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच ऐड कर लें, और लास्ट इंग्रेडिएंट आपने गुलाब का अर्क लेना है, ये भी आपने 1 चम्मच डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, एक पेस्ट बना लें और इसको अपने चेहरे पर लगाएं। जैसे ही ड्राई हो जाए अपने, तो इसको आप ठंडे पानी से धो लें। गर्मियों में आपने इसको करना है, इंशाल्लाह आपके कलर भी फेयर होगा और साथ ही साथ आपके निशानात भी जाते रहेंगे, गायब होते रहेंगे। इनको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए क्योंकि वो बहुत ही जल्द आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।